नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों दांडी मार्च के बारे में दोस्तों वैसे दांडी मार्च से रिलेटेड दो और वीडियो हमारी चैनल में अवेलेबल है आप उसको देखे भी होंगे पर आज ये वीडियो बनाने का कुछ और मतलब है दोस्तों क्योंकि दांडी मार्च जो है आजकल न्यूज़ में रेलिवेंट है क्यों दोस्तों दो में हमारी देश के इंडिपेंडेंस डे का सेवेंटी एनिवर्सरी है तो उसके जो सेलिब्रेशन है जिसका नाम आजादी की अमृत महोत्सव रखा है उसका इनोग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में कर चुका है तो गुजरात में इस बार एक स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है 1930s में गांधी जी द्वारा चलाया दांडी मार्च का रीअमेंट जैसे गांधी जी ने साबरमती आश्रम से गुजरात के वेस्टर्न कोस्ट में जो दांडी बीच है उधर तक मार्च चलाया था वैसे ही एक सेम री एनेट करेंगे गुजरात सरकार इसमें सेवरल पॉलिटिकल लीडर्स गुजरात के मिनिस्टर्स वगैरह शामिल होंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दांडी मार्च के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे आपका रिविजन भी हो जाएगा देखो दोस्तों इस पीपीटी में हम सबसे पहले देखेंगे न्यूज में क्यों है और दांडी मार्च के एक बैकग्राउंड ब्रीफ बैकग्राउंड में दूंगा आपको और दांडी मार्च का प्रोग्रेशन कैसे कैसे हुआ था और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अरेस्ट वो भी डिस्कस करेंगे और दांडी मार्च में गांधी जी का इंपैक्ट क्या था वो भी डिस्कस करेंगे और मार्च कैसे एंड के आफ्टर मार्थ क्या क्या था और दांडी मार्च के एंड में एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ था अब गांधी इरविन पैक्ट दांडी मार्च के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पैक्ट में दांडी मार्च से रिलेटेड कई सारे स्टेटमेंट्स थे इरविन उस टाइम के थर्टीज में इंडिया के वाइस थे और फाइनली एक कंक्लूजन तो दोस्तों आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के तो दोस्तों शुरुआत करते सबसे पहले वही न्यूज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दांडी मार्च का उद्घाटन कर चुका है आज ही शाम को मार्च 12 को टू लॉन्च द देशन ऑफ सेवेंटी फिफ्थिप दो हजार अगस्त 15 जो है हमारी देश की आजादी का सेवन एनिवर्सरी है तो इसके लिए आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन होने वाला है इसकी जो शुरुआत है सेलिब्रेशन की शुरुआत यही कॉमोमरेटिव दांडी मार्च से होगा ठीक है यह अभेगढ़ से पीछे अभेगढ़ के पीछे ग्राउंड से हुआ है अब देखो अभयगढ़ क्या है अभेगढ़ रिस्टिंग प्लेस ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर मोराजी देसाई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोराजी देसाई जी के रेस्टिंग प्लेस अभयगढ़ वैसे दोस्तों मोराजी देसाई जी बॉम्बे जो पुराना गुजरात प्लस महाराष्ट्र स्टेट था बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है उधर का चीफ मिनिस्टर थे प्रधानमंत्री बनने से पहले ये भी ध्यान रखना तो उनका रेस्टिंग प्लेस भी है उनका रेस्टिंग प्लेस के पीछे एक ग्राउंड से इसका फ्लैग ऑफ हो चुका है अब देखो एज पर टेंडेटिव प्लान प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू विजिट हृदय कुंज इन सबरमती आश्रम मैनेज बाई सबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन एंड मेमोरियल ट्रस्ट अब दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है सबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन एंड मेमोरियल ट्रस्ट है कहां पे सबरमती आश्रम में फोर टू टू थ्री मिनट अराउंड टेन थर्टी है तो ये सब हो चुका है दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब देखो दोस्तों यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे एक लाइब्रेरी प्लान किया था डेडिकेटेड टू गांधी स्टडीज एंड एलेक्ट्रीन स्टैट्यूज ऑफ एटी वन मार्चेस जो दांडी मार्च में शामिल हुए थे दिस प्रोजेक्ट कॉल द नेशनल सॉर्ट सत्याग्रह मेमोरियल इज ऑलमोस्ट कंप्लीट

इंडियंस के लिए प्रोड्यूस करना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना मुमकिन नहीं था ऊपर से सोल्ट तो हमें डेली यूज के लिए चाहिए अब सोल्ट खरीदना भी है ना इंडियंस को एक्सपेंसिव खरीदना पड़ता था 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 क्योंकि वो इंपोर्टेड और हेवीली भी राइट दिस अफेक्टेड द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस इंडियन पुअर एंड कुड नॉट अफोर्ड टू तो इंडियंस वैसे भी पुअर थे गरीब थे उनको ये खरीदना अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था अब क्या है तो नाइनटीन में गांधी डिसाइडेड टू माउंट ए हाईली विजिबल डेमोन्स्ट्रेशन अगेन द गेंस्ट द इंक्रीजिंगली रेप्रेसिव सॉल्ट टैक्स बाई मार्चिंग थ्रू वॉट इज नाउ द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात तो गुजरात में गांधी जी खुद गुजराती थे तो गांधी जी ने डिसाइड किया अपना सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का एक पार्टी था ये दांडी मार्च जो हुआ था उन्होंने ये डिसाइड किया एक विसिबल डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मतलब हम इंडियंस खुश नहीं है हम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे इसलिए गांधी जी ने लीड किया एक दांडी मार्च वो स्टार्ट कहाँ से किया अपना जो आसम है सबरमती अहमदाबाद में टू टाउन ऑफ दांडी दांडी जो है सूरत के पास है और अरेबियन सी को में एक बीच है मार्च बारह को पैदल चले थे कुछ फॉलोवर्स भी थे उनके साथ हिस्ट्री के हिसाब से करीब 78 बंदे थे गांधी जी के साथ जब दांडी मार्च शुरू हुआ था अब दोस्तों डिस्कस करते हैं दांडी मार्च के प्रोग्रेशन के बारे में दांडी मार्च जब शुरू हुए थे काफी लोग नहीं थे पर जैसे जैसे मार्च बढ़ता गया काफी गांवों से गुजरता गया बहुत लोग आ गए गा गांधी जी को देखने के लिए गांधी जी की स्पीचेस सुनने के लिए और गांधी जी के पीछे पीछे चल पड़े धीरे धीरे दांडी मार्च जो है एक बहुत बड़ा क्राउड बन रहा था मार्च 12 को शुरू हुआ था और अप्रैल 5 तक चौबीस दिन वो लोग पैदल चले थ्री हंड्रेड एंड एटी फाइव किलोमीटर फ्रॉम सबरमती आश्रम टू दांडी बीच दांडी बीच कहां पे गुजरात का वेस्टर्न कोस्ट में सूरत के पास अप्रैल से मॉर्निंग सुबह पहुंचे दांडी बीच गांधी जी एंड उनके फॉलोवर्स और बीच में से दांडी बीच में से सॉल्ट उठाया बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह दिखाने की कोशिश कर रहा था हमने आपका लॉ जो इंडियंस को सॉल्ट बनाने को नहीं दे रहा था उनको हमने तोड़ दिया यही तो है सिविल डिसोबीडियंस मतलब क्या है मतलब आप जो बोल रहे हैं उसको मान नहीं रहा है तो नॉन वायलेंटली गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने यह दिखाया कि हमने आपका लॉ किया तोड़ दिया नो अरेस्ट वेयर मेड दैट डे गांधी कंटिन्यूड हिज सत्याग्रह अगेंस्ट सोल टैक्स सत्याग्रह गांधी जी का सबसे बड़ा वेपन था उस दिन तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ था इसके बाद गांधी जी अपना सत्याग्रह तो कंटिन्यू रखा ब्रिटिशर्स के जितने भी लॉस थे उसके अगेंस्ट और दूसरे इंडियंस को दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को ये इंसिस किया सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कंडक्ट कराने के लिए वैसे दोस्तों हिस्ट्री में देखा जाएगा तो केरला में भी हुआ था कन्नूर बीच में और तमिलनाडु में भी हुआ था सेम दांडी मत जैसे प्रोग्रेशन थाउजेंड्स वेयर अरेस्टेड एंड इम्प्रेसन इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू एंड गांधी हिमसेल्फ इन एलि में दोस्तों इसके बाद जैसे सत्याग्रह स्टार्ट हुआ थाउजेंड्स वेर अरेस्टेड बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे और गांधी जी को भी अरेस्ट किया एर्ली मई को गांधी जी को कब अरेस्ट किया जब उन्होंने लॉर्ड इरविन जो तब के वो थे उनको यह बताया कि नियर बाई दांडी मिर्च के नियर बाई एक दर्शना सोल्ट बक्स है जहां सोल्ट बनाते हैं उधर उनके सामने मतलब वो कंपनी के सामने वो सत्याग्रह बैठने वाला है तब लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को भी अरेस्ट करवाया वैसे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी का नाम इधर है पर जवाहरलाल नेहरू जी ज्यादा टाइम गांधी जी के साथ नहीं थे दांडी मार्च के लिए कुछ ही डिस्टेंस फॉलो किए थे ये ये भी कुछ आर्टिकल कहता है अब दोस्तों दांडी मार्च के सबसे बड़ा एक हिस्सा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अरेस्ट अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी से वाकई में डरते थे वो थे सरदार पटेल साहब से दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था मार्च बारह को मार्च सात को ही सरदार पटेल जी पहुंच गए बुरसात और विलेजेस को प्रिपेयर किया गांधी जी को फॉलो करने के लिए ब्रिटिशर्स को यह बात पता चल गया और उनको यह बात क्लियरली पता था अगर सरदार पटेल जी कोदे पर उतरा तो बात कुछ और ही होगा इसलिए उन्होंने क्या किया रास्ट में मार्च सात को ही उनको अरेस्ट किया पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा विलेजेस और एंकरेज हो गया सेवेंटी फाइव थाउजेंड पीपलडेड ए मामद मीटिंग ऑन साइंस ऑफ सबरमती अरेस्ट के बाद लोग आ गए और सबरमती में इकट्ठा हो गए हियर दे द रेसोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ए वाव इन गांधीजी प्रसेंस गांधी जी के सामने ही उन्होंने एक रेजोल्यूशन फॉर्म किया टू ट्रेड द सेम पाथ सरदार वल्लभ भाई हट ट्रॉट एंड नॉट टू रेस्ट इन पीस टिल द फ्रीडम ऑफ नेशन वॉज अचीव जब तक हमें आजादी नहीं मिले तब तक हमें काम करना होगा ऐसे एक रेजोल्यूशन लिया नॉट विल द गवर्नमेंट गेट्स पीस तब तक गवर्नमेंट को हम शांति नहीं देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो इम्पैक्ट था ना वो बहुत ज्यादा था उस टाइम पे क्राउड के ऊपर अब दोस्तों सरदार पटेल जी के इम्पैक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया पर हमारे महात्मा गांधी जी के इम्पैक्ट भी कम थोड़ी थे वो ये तैर करके निकले थे अपने आश्रम से कि जब तक सोल्ट रिपीट नहीं हो जाते तब तक वापस नहीं लौटना है और जब तक स्वराज नहीं पाते तब तक रुकना नहीं है जब दांडी मार्च चला था नाइनटीन थर्टी में गांधी जी का एज सिक्सटी वन था आप ये सोच सकते हो सिक्सटी वन के एज में एक आदमी थ्री हंड्रेड एंड एट्टी फाइव किलोमीटर्स पैदल चले और हर दिन वो दस मील से ऊपर चलता था और पब्लिक मीटिंग्स को भी एड्रेस करता था क्योंकि काफ़ी लोग आते थे, थे गांधी जी को सुनने के लिए और इनकी जो डेली रूटीन था प्रेयर का स्पिनिंग का राइटिंग अप डायरी का ये सब चलता ही रहता था और जब तक वो सोते नहीं थे वैसे वो काफ़ी देर तक जागते थे वो इंटरव्यूज़ देते थे क्योंकि इनकी जो विशनस हैं स्टेटमेंट्स है वो कहना क्या चाहते थे वो सब लोगों तक तो पहुँचाना भी तो इम्पोर्टेंट था एंड कई लोगों का कहना यह है जो दांडी मार्च अटेंड किए थे गांधी जी चार बजे सुबह उठते थे और जब दिया में तेल खत्म हो जाता था ना वो किसी और को जगाता नहीं था दिया जलाने के लिए वो खुद मून लेक में लेटेस्ट लिखते थे क्योंकि ही डिड नॉट विश टू डिस्टर्ब एनीबॉडी आफ्टर द प्रेयर्स ही डिलीवर्ड अ sermone to the pilgrims on the march and answered questions एवरीडे मार्च कमेंस पंक्चुअली एट 5:30 एएम तो हर दिन सुबह साढ़े पांच बजे मार्च स्टार्ट होता है अनप्रेजिडेंटेडेडेडेडेड सीन्स ऑफ इंक्रीजिंग एंथुजियाजम विद वीटनेस थ्रू ओअर द मार्च फ्राम अहमदाबाद टू दांडी मार्च बारह को जब अहमदाबाद से बेसिकली साबरमती आश्रम से जब दांडी मार्च निकले थे अप्रैल पाँच तक कहीं भी गांधी जी और इनके फॉलोअर्स में मोटिवेशन की कमी नहीं आ रहा था काफ़ी हाईली एंथसियाज थे यह सब पॉसिबल इसलिए था गांधी जी की सख्त लीडरशिप की वजह से इनकी मोटिवेशनल स्पीचेस हमेशा क्राउड के मोरल को अप रखा डूर हिज न्यूमरस स्पीचेस ऑन द वे ही एक्सोटेड पीपल टू जॉइन इन लार्ज नंबर दोस्तों डांडी मस्त तो चल ही रहा था कहीं कहीं रुक के वो स्पीचेस देता था क्योंकि लोग आते थे इनके स्पीचेस सुनने के लिए तब उन्होंने उनके जो प्रिंसिपल्स है जैसे फोरिन क्लोथ को बॉयकॉट करना खादी अडोप्ट करना एंड ड्रिंकिंग से दूर रहना यह सब वो एडवाइस करता ही रहा इवन वो औरतों को जो स्ट्रगल में जॉइन करना चाहती थी उनको भी ये एडवाइस किया कि लिकर कि शॉप्स को पिकअ करने के लिए फोर इन क्लॉथ शॉप्स को पिकेट करने के लिए इस तरह गांधी जी की जो प्रिंसिपल्स है ये भी साथ चलता ही रहा अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ड्यूटी ऑफ डिसलॉयल्टी उस टाइम पे मार्च 27 को एंग इंडिया करके एक न्यूज़पेपर में गांधी जी ने ड्यूटी ऑफ डिसलॉयल्टी करके एक आर्टिकल भी लिखा था ये हमारी एग्जामिनेशन पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है ड्यूटी ऑफ डिसलॉयल्टी आर्टिकल किसने लिखा गांधी जी ने गांधी जी स्पीचेस अलॉन्ग द वे वेर चार्ज विद इमोशन एंड स्पेट नई द गवर्नमेंट नो द पीपल इनके स्पीचेस के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है ही इज रिंग वर्ड्स वेयर देखो इट विल कंटिन्यू नो मैटर हाउ or अदर्स एक्ट फॉर मी देर इज नो turning बैक वेदर आई एम एलोन और जॉन बाई thousands. Hmm. वो ये बोलते थे कि उनके लिए अब पीछे बोलना है ही नहीं अगर वो अकेला भी हो या थाउजेंड्स उनके साथ में हो पीछे नहीं मोड़ेंगे और आई वु राधा डाई ए डॉग्स डेथ एंड हैव मई बॉन्स लिग बाई डॉग्स दानी शुड रिटर्न टू द आश्रम ए broken man. एक कुत्ते की मौत भी मरेंगे मैं मरूंगा मैं पर मैं वापस नहीं लौटूंगा ये वो पैर किए थे और ये बोलता भी था लोगों को लोग ये सब के बहुत मोटिवेटेड होते थे अब दोस्तों फाइनली पांच उन्नीस सौ तीस को दांडी मार्च एंड हुआ एलॉन्ग द वे गांधी जी एंड इज कंपेनियंस बाईस जगहों में नाइट था। राइट right. अप्रैल 6, द एटमोसफियर वॉस दांडी बस बहुत टेंशन एंड सोलम वो तो होना ही था क्योंकि लो ब्रेक करने वाला था डे बिगान विद प्रेस गांधी जी देन नॉमिनेटेड श्री अब्बास त्याग जी एंड आफ्टर हिम श्री सरोजिनी नायडू टू लीड द सत्याग्रह इफ ई वॉस अरेस्टेड देखो दोस्तों दांडी मार्च से उनका काम तो खत्म नहीं हुआ था इसके बाद गांधी जी का प्लान ये था सत्याग्रह कंडक्ट करने का और दर्शना सोल्ट प्रोडक्ट के बारे में आपको मैंने बताया था अब देखो दोस्तों इसमें दो पर्सनालिटीज का नाम आ रहा है श्री अब्बास त्याग जी एंड श्रीमती सरोजनी नायडू ये दोनों का नाम याद रखना क्योंकि ये दांडी मार्च में गांधी जी के साथ थे और इन्हीं को गांधी जी नॉमिनेट किया था अगर वो अरेस्ट हुए तो सत्याग्रह को जारी रखने के लिए आफ्टर प्रेय गांधी मैंने आपको बता दिया था और गांधी जी इसके बाद एक स्टेटमेंट दिया नाउ दैट द टेक्निकल और सरमोनियल ब्रिच ऑफ शॉर्ट लॉ हैज हैजिन कमिटेड आप देखो टेक्निकली सॉर्ट लॉ को हमने ब्रेक किया है नाउ इट इज ओपन टू एनीम आप जो भी चाहे जहां भी चाहे अगर वो रिस्क ऑफ प्रोसिक्यूशन को सह सकते हो अगर वो सोल्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहते हो वो कर सकते हो अगर वो कन्वीनियंट है ये स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया अब दोस्तों दांडी मार्च का रूट थोड़ा आपको मैं दिखा देता हूं आपको क्लियर समझ में आ जाएगा देखो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था फिर असलाली नवागम शांतरा मंदिर आनंद बोरसाद बोरसाद में सरदार पटेल पहुंचे थे मैंने आपको बोला था करेली अमोद देहरोल अंकलेश्वर मांगोल दलाल एंड दांडी ठीक है तो थ्री आश्रम से 385 किलोमीटर तक राइट अब दोस्तों दांडी मार्च तो खत्म हुआ इसके गुंडा राज मिलियन बॉफलो एंड कॉटेड इंप्रेस्टमेंट गांधी जी के okay. मिलियंस ऑफ पीपल सोटलो को ब्रेक किया एंड अरेस्ट भी हुए सॉल्ट डिपोर्ट्स वे रेटेड एवरीवेयर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलिसिट सॉल्ट वाज अंडरटेक देखो ब्रिटिशर्स ने सारे सोल्ट डिपोर्ट्स को रेड किया फिर जितने भी सोल्ट बना रहे थे सबको सील किया इन ए सिंगल रेडेड दर्शन टू एटी नाइन वॉलंटियर्स वेयर वॉन्टेड बिकॉज द पुलिस नोव यूज लाथीज एंड बैटन फ्रीली बट इवन द ब्रोटालिटी ऑफ द माउंटेड पुलिस फेल टू ब्रेक द मोरल ऑफ द पीपल देखो दोस्तों ब्रिटिशर्स जो भी कर सकते थे वो सब कर रहा था जितने लोग सत्याग्रह में बैठे थे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट भी बैटन्स यूज किया लाथीज यूज़ किया और मारा पीटा बहुत कुछ किया पर यह सब लोगों की मोरल को डाउन करने का कोई चांस नहीं था अब क्या है गांधी जी को अरेस्ट किया मैंने आपको बोला था जब लॉर्ड इरविन को एक बात पता चला था गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम कस्टडी इन जनवरी नाइनटीन थर्टी फर्स्ट एंड बिगान नेगोशिएशन विद लॉर्ड इरविन एम्ड एट एंडिंग द सत्याग्रह कैंपेन अब देखो गांधी जी को रिलीज तो किया इसके बाद लॉर्ड इरविन भी यह चाहते थे कि यह सत्याग्रह कैंपेन एंड करने के लिए

अब दोस्तों गांधी इरविन पैक्ट के रिसल्ट क्या क्या थे एक बार डिस्कस करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोस्तों देखो 1931 में सितंबर से लेकर दिसंबर तक लंदन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया सबसे पहला दूसरा क्या गवर्नमेंट एग्री टू विड्रॉ ऑल ऑर्डिनेंस दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्टिविटीज को रोकने के लिए उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारे ऑर्डिनेंसेस निकाले थे वो सबको विड्रॉ किया इट एग्री टू रिलीज ऑल पोलिटिकल टू सेव दो इन्वॉल्व इन वायलेंस इसका मतलब यह है उस टाइम पे आपको पता होगा राउलेट एक्ट के बारे में जो बिना जुडिशियल रिव्यू का बिना ट्रायल का जितने भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हो जाते थे उनको अरेस्ट करते थे गवर्नमेंट तो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनेस इस तरह के थे उनको रिलीज करने की बात हुआ इट एग्री एग्री टू अलोव पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फोरिंग क्लोज शॉप देखो गांधी जी का एक प्रिंसिपल था लिकर शॉप को पिकेटिंग करना फॉरिन क्लॉथ शॉप को पिकेट करना तो पीसफुल पिकेटिंग हो सकता है ये भी एग्री किया इट एग्री टू रिवोक द मैन ऑन आई एच सी ये मैंने बता दिया था गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस तब के मेजर पोलिटिकल पार्टी था उसके अगेंस्ट कई सारे बैन लगा रखे थे उसको भी रिवोक किया इट एग्री टू रिस्टोर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ सत्याग्रही देखो दोस्तों जैसे सोल्ट सत्याग्रह हुआ कई सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया था गवर्नमेंट ने वो सब रिस्टोर करके दिया इट एग्री टू परमिट द कलेक्शन ऑफ by बाई पीपल नियर sea कोस्ट देखो इट एग्री टू परमिट द कलेक्शन किनारे जितने लोग रहते थे उनको सोल्व कलेक्ट करने का परमिट दिया it agreed to forego fines not yet collected, जितने भी fine लगा रखे थे, तब तक जो कलेक्ट नहीं हुए थे उसको छोड़ दिया गया इट एग्री टू लीनियन ट्रीटमेंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट disobedience movement. देखो, गांधी जी के सिविल डिस्ट्रिबीडियंट मूवमेंट के चल बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपना रिसिग्नेशन दिया था तो उनके साथ ठीक ठाक ट्रीटमेंट करने के लिए अच्छा बिहेवियर करने के लिए भी एग्री हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट अब दोस्तों फाइनली एक कंक्लूजन ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट सही में हिल गए थे ये सत्याग्रह से गांधी जी का एक पीसफुल वेपन था सत्याग्रह और गांधी जी के लिए काफी सारे फॉलोअर्स भी थे सत्याग्रह के लिए अब दांडी मार्च वॉज ओनली पार्शली सक्सेसफुल ये क्यों बोलते हैं कई सारे आर्टिकल्स में उल्टा लिखा हुआ भी आपको नजर आएगा पर देखो दोस्तों टैक्स रिपील करने के लिए दांडी मार्च हुआ था राइट पर एक्चुअली देखा जाएगा तो टैक्स कंप्लीटली एबोलिश हुआ इंडिया से मार्च 1947 को जब हमारे इंटरिम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ था हेडेड बाई जवाहरलाल नेहरू तब के फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब ने ही यह ऑर्डर पास किया था तो नाइनटीन से लेकर तक थोड़ा बहुत चल ही रहा था यही मानना चाहिए दांडी मार्च वास्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखो दोस्तों पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था रेवी नदी किनारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से वो भी छब्बीस जनवरी उन्नीस को इसके बाद एक ऑर्गेनाइज चलन था अपना दांडी मार्च उन्नीस को अब दोस्तों ये जो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ था ना 26 जनवरी 1930 यही डेट की वजह से हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं राइट 26 जनवरी रिपब्लिक डे चुनने का कारण यही है क्योंकि इसी दिन रेवी नदी किनारे पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ था और इंडियन फ्लैग होस्ट किया था प्लैटिनम जुबली ऑफ दांडी मार्च वॉस सेलिब्रेटेड इन टू थाउजेंड सिक्स एंड हिस्टोरिकल दंडी रूट वॉज अकोर्डेड द नेशनल हेरिटेज स्टेटस डांडी मार्च का सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी मनाया था यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से 2006 में एंड जो हिस्टोरिकल डांडी रूट है सप्रमती आश्रम मतलब अहमदाबाद से लेके डांडी बीच तक ये नेशनल हेरिटेज स्टेटस भी दिया गया और एक चीज है दोस्तों ये जो रूट है ना अहमदाबाद टू डांडी इसको एक नेशनल हाईवे भी बना दिया डेवलप करके नेशनल हाईवे टू, 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 टू राइट तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट दांडी मार्च के बारे में छोटा सा एक लेक्चर था ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा आपका रिविशन हुआ होगा काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने मिस किया है क्योंकि टाइम कम है ज़्यादा लंबा होने से आप बोर हो जाओगे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय है नाइस डे